आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से दही बड़े बनाएंगे। मैंने माश की दाल को रात भर पानी में भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास रात भर का टाइम नहीं है तो आप दिन में भी 3-4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं और फिर इसका सारा पानी छान करके इसे मिक्सी में पीस लें। अगर आपके पास ऐसा हैंड ब्लेंडर है तो आप इससे भी फेंट सकते हैं, तो ये हाथ से बहुत आराम से फेंटा जाएगा। आप किसी भी चीज से फेंटे, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, आपने स्टार्टिंग में जिधर से इसे फेंटना शुरू किया था उधर ही से फेंटते रहना। अगर आप इसे अपोजिट साइड से फेंटने लगे तो आपने इसमें जितनी भी एयर भरी थी वो सारी निकल जाएगी और आपके दही बड़े सही नहीं बन पाएंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। इसके लिए मैंने एक कप में पानी लिया है। हल्ले के मिक्सचर में से हम थोड़ी सी बॉल कट करके इस पानी में डालेंगे। अगर ये बॉल सरफेस पे रहेंगे तो इसका मतलब आपका मिक्सचर बिल्कुल ठीक है, के अंदर चला जाता है तो इसका मतलब बैटर को भी आपने और फेंटना है। अब हम इसमें डालेंगे भुना और कुटा हुआ जीरा 2 चम्मच और साथ ही में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल लें और इसे खूब अच्छे से मिला लें। हम एक पैन में ऑयल गर्म होने रख देंगे, तब तक हम भल्ले रेडी कर लेंगे। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट की फिलिंग करना चाहते हैं तो इसे थोड़ा गहरा कर लें और अब आप इसमें जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं जैसे काजू या किशमिश वो आप डालें और इसे अच्छे से पूरा कवर कर लें, मतलब कि बाहर से जरा भी दिखना नहीं चाहिए वरना ये सारा फटके तेल में निकल जाएगा। पहले तो ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तो फ्लेम मीडियम कर दें और इसमें सारे भल्ले डाल दें। जब इसकी एक साइड अच्छे से गोल्डन हो जाए तो फिर इसे पलट दें और दूसरी तरफ से ही वैसे ही गोल्डन होने तक पका लें। जब दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाए तो हम इसे निकाल लें। अब हम एक बड़ी पतीली में पानी लेंगे और उसी में सारे भल्ले हम डालते जाएंगे। भल्लों को हमने आधे से 1 घंटे तक छोड़ देना है पानी में और ये देखिए मैं आपको एक भल्ला तोड़ के भी दिखा रही हूँ जो कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पंज बन के तैयार हुआ है। जब तक भल्ले पानी में है तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में दही ले लेंगे और इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। इसे हमने ज्यादा मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे मिला करके फ्रिज में रख देना है। हम दही भल्लों पर स्प्रिंकल करने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, काला नमक और सफेद नमक। इन सबको हम खूब अच्छे से भून के निकाल लेंगे। हमने पानी में जो भल्ले रखे थे अब हम उनका सारा पानी रिलीज कर देंगे। अब हम इसे सर्व करने की तैयारी करेंगे। पहले सारे भल्ले बिछा लेंगे, अब हम इसमें डालेंगे दही और हाँ दही को हम फ्रिज से निकालने के बाद एक बार मिक्स जरूर कर लेंगे। खूब अच्छे से दही डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे इमली की चटनी। इमली की चटनी मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई थी। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी होगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने उसे स्किप कर दिया है। और फिर हमने जो मसाले बना के रखे हैं उसे अब हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे और अब बनकर तैयार है हमारे सुपर सॉफ्ट डिलीशियस दही बड़े। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।